दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने सभी सदस्यों का वंदन और अभिनंदन। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेउसा सीतापुर प्रेम बातें के साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल छोटी बड़ी खबरें की जानकारी के लिए। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और खबरों से चाहते हैं अपडेट रहना जानकारी लेना तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर प्रेम बातें पत्रकार रेउसा लिखकर सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं जिससे कि खबर का मैसेज आप तक पहुँचे और आप खबरों से रूबरू हो सकें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आ रही है आपको सामने हमारे नज़र दिखाई जा रही है, एक हाथ में पट्टी बंधी हुई है। ये थाना रेउसा क्षेत्र के अमलोरा निवासी मोहम्मद नईम की तस्वीर है, जो कि ये गत 22 अगस्त को अपने घर पर कुछ काम निपटा रहे थे और अचानक जर्जर टाँड़ पर कुछ काम कर रहे थे और वो भरभरा कर गिर गई, जिससे कि ये गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये अमलोरा के निवासी नईम पुत्र आशिक अली हैं। और वहीं पर ये जो दूसरी तस्वीर आपको लेटे हुए नज़र आ रही है, ये पंचायत राज विभाग के सफाई कर्मचारी की तस्वीर है, डॉक्टर मोहम्मद उमेर की, जो कि ये थाना तंबोर क्षेत्र के मल्लापुर के निवासी हैं, पुत्र सद्दीक। और ये सोमवार को 6 सितंबर को ड्यूटी के दरमियान इनकी बाइक एक छोटा जानवर से टकरा गई, जिसे के अनियंत्रित होकर पलट गई और ये गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हाथ में पट्टी बंधी हुई है, आप देख सकते हैं, जिससे कि अस्पष्ट ये जख्मी हो गए। वहीं पर इन दोनों को रेउसा से लाया गया, जहां से मोहम्मद नईम को रिफ़र कर दिया गया नाजुक हालत देखते हुए और लखनऊ, और वहीं पर उनका इलाज ऑपरेशन किया गया है। मोहम्मद उमेर का स्थानीय ही प्राइवेट इलाज जारी है।